खबर देखिए, आपको वफाकी बजट में टैक्सेस में इजाफे और ताजर दो स्कीम के खिलाफ छोटे ताजर सरापा एहतजाज बन गए हैं। ऑल सिटी ताजर इतिहाद के चेयरमैन शर्जील गोपलानी का कहना है कि मुतालबात ना माने गए तो मुल्क भर में एहतजाजी हड़ताल की जाएगी। मजीद भी जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है सफदर अब्बास। हमारे साथ मौजूद हैं सफदर अब्बास, आगाह कीजिएगा, हड़ताल की कॉल दी जा रही है ताजर एसोसिएशन की जानिब से, क्या कहना है उनका? वफाकी बजट में इजाफी टैक्सों और ताजी दोस्त स्कीम के खिलाफ कराची के ताजी सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से 28 अगस्त को छोटे ताजरों की जानिब से हड़ताल का ऐलान भी सामने आ रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल सिटी ताजी इत्तेहाद के चेयरमैन शर्जील गोपलानी, उनसे जान लेते हैं कि हड़ताल क्यों की जा रही है और मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हड़ताल इसलिए की जा रही है, जो टैक्स गवर्नमेंट ने नाफिज करना था जो नॉन टैक्स पेयर थे उनके साथ, लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखादेही ये की है कि ताजी दो स्कीम के नाम पे जो रेगुलर टैक्स फाइलर्स हैं, जो पुराने 2-2.5 लाख, उनके ऊपर भी इन्होंने वो स्कीम लागू कर दी और हमारी दुकानों पे अब बिल आना शुरू हो गए हैं 60,000 रुपये महाना के। हमारा आईपीपीस भी मसला है कि भाई जिनके आईपीपीस के जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए उनको आप क्यों दे रहे हैं। हमारा कराची इलेक्ट्रिक भी मसला है कि आपने 20 साल का आपकी निगरान हुकूमत ने कैसे इसका लाइसेंस की तजदीद कर दी। 80 रुपये यूनिट तक बिजली का बिल चला गया है, किस तरीके से हम अफोर्ड करेंगे? हमारी इंडस्ट्रियां बंद हो रही है, हमारे कारोबार तबाह हो रहे हैं। ऑल सिटी ताजी इत्तेहाद के चेयरमैन शर्जील गोपलानी हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि बात सिर्फ जो वो ताजी दोस्त स्कीम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि जो बिजली के भारी बिल हैं, जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, इनको लेकर भी ताजी सनअतकार जो परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। तो इनके मुतालबा पर इन्होंने सामने हमारे दोहराए कि अगर इनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाएंगे तो 28 अगस्त को मुल्क भर में ये लोग छोटे ताजर जो हैं वो हड़ताल करेंगे और शटर डाउन हड़ताल जो मुल्क भर में की जाएगी।